रोम में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में सिलसिलेवार बैठकों में शामिल होने के बाद स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लासगो में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का स्वागत किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप, कहा पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर चल रहा है ड्रग्स का धंधा। आज हरियाणा 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने हरियाणा वासियों को बधाई दी है। पीएम ने कहा हरियाणा विकास के नए मानदंड गढ़ रहा है। हरियाणा दिवस के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम मनोहर लाल और राज्य सरकार के 7 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा सरकार पर सुरजेवाला ने निशाना साधा, कहा 55 साल में सबसे युवा विरोधी सरकार सत्ता में। दोबारा खुल गए हैं कोरोना के चलते पिछले 1.5 साल से बंद दिल्ली के स्कूल। दिल्ली में नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए स्कूलों को खोला गया। गाइडलाइन के मुताबिक क्लास में एक वक्त में केवल 50% छात्र आएंगे। दिल्ली में माफ कीजिएगा, दिवाली की बात करते हैं। दिवाली से पहले महंगाई का झटका, नवंबर के पहले दिन तेल और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर के दाम दिल्ली में हो गए हैं 266 रुपए बढ़त के साथ 2000 के पार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर दिया। देश भर में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, 35-35 पैसे की बढ़ोतरी। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के इस एक दिन में कोरोना के 12,514 नए केस, 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत। देवप्रयाग को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। विधायक विनोद कंडवारी ने सरकार से मांग रखी घंटाकर्ण देवता मंदिर को 7वां धाम बनाया जाए। हरियाणा के कई जिलों में HSSC की पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा। लाहौल स्पीति उपमंडल की ईवीएम मशीन पहुंची स्ट्रांग रूम, हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्ट्रांग रूम मशीनों को पहुंचाया गया। देहरादून के चकराता में दर्दनाक सड़क हादसा, 13 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया, मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। हमीरपुर में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, पिता पर नाबालिग से रेप के आरोप, मां ने थाने पहुंचकर शिकायत दी। नालागढ़ पुलिस ने दुकान से 18 किलो भूखी के साथ एक युवक को गिरफ्त में लिया। बद्दी पुलिस की SIU टीम की कार्रवाई लगातार जारी, पुलिस ने जांच शुरू की। महिला बैंक कर्मचारी की आत्महत्या का मामले में दर्ज किया गया मुकदमा, यूपी के IPS ऑफिसर पर FIR दर्ज। पानीपत में गला घोटकर 19 साल के लड़के की हत्या, परिजनों ने सगी मौसी पर लगाए आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। काशीपुर में जुआरियों के खिलाफ SOG की बड़ी कार्रवाई, काशीपुर SOG टीम की दबिश में पकड़े गए जुआरी, 2,44,000 रुपए बरामद। काशीपुर में सेल्स टैक्स विभाग की कार्रवाई, यात्री बस में ले जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य सामान, विभाग ने करीब 2,50,000 रुपए जुर्माना लगाया। बिलासपुर में शादी के नाम पर लाखों की ठगी, नेरचौक पहुंची बारात को ना दुल्हन मिली ना मंडप मिला, करीब 2,00,000 रुपए के नकदी और जेवर की ठगी का मामला। हिमाचल में अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहने को लेकर मौसम महकमे की तरफ से पूर्वानुमान ये लगाया गया है कि 1 और 2 नवंबर को बरसात और बर्फबारी हो सकती है। लाहौल स्पीति में 2 नवंबर से दारचा से आगे सिविल वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, ग्राफू से लोसर मार्ग भी 2 नवंबर से बंद रहेगा, बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन का निर्णय। पलवल में मंचलों की छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने आत्महत्या की, पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हिमाचल में आज और कल बरसात और बर्फबारी की आशंका, निचले इलाकों में बरसात, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी, किन्नौर उपायुक्त अपूर्व देवगन ने एडवाइजरी जारी की।
किन्नौर जिला प्रशासन ने मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने नदी नालों के पास और ऊंचाई वाले इलाकों में जाने पर रोक लगाई। लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की।